ये गदा तुमसे नहीं उठेगी, ये भाला है तुमसे नहीं चलेगा। यह है तलवार, इसे चला के देखते हैं, चलो। ये बताओ तुम्हें क्या आता है? बहुत कुछ आता है प्रभु, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, बंदर बाट, उसके बाद वो तो फिर चिप्पी खेलना भी आता होगा। दूर से देखा प्रभु, लड़के अपने साथ खेलने नहीं देती। तलवार कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीखो। तो ऐसे पकड़ो, हाँ जी, ऐसे उठाओ और ऐसे मारो। ओहो, मारो, देखते हैं। देखिए तलवार कैसे पकड़ी है। पांजे, ये तुझसे नहीं होगा। ए बुद्धू, हम फिर से दिखाते हैं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठाना है। वाह 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 वाह, क्या मारा है प्रभु? मैंने? हाँ आपने, आप नहीं तो कौन प्रभु? मैंने बिजली की तरह तेज, शाबाश, हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर, पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु तुम हमें पसंद आए, धन्यवाद। हम तुम्हें भी तलवार चलाना सिखा। छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट, बता दो कि तुम कौन हो वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे, इतना नाटक करने की क्या जरूरत। 60 बरस के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है, कैसे समझाऊं इसे? देखो अनाप शनाप मत बको बाहू, मुझे समझाओ कि प्रेम क्या है, अगर ना समझ पाऊं तब कहना। इस शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षियों की यह जोड़ी देखो, देखो इस पूनम के चांद को, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से बूंद बूंद करके फिसल रही हैं, और कैसे ये दोनों इन किरणों का रसपान करके एक दूसरे में डूबे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मामा? चाह, इस धरती पर इतने साल बिता दिए किस लिए, कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं, आह स्वर्ग। क्या हुआ तुझे, सुबह तो ठीक चल रही थी। प्रभु, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। कुमार, सुबह मैं तुम्हारा कारनामा नहीं देख पाई, अभी दिखा दो ना। माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा? वो उधर उधर। अरे किसी ने खंभे के पीछे छुपा दिया, लेकर आ गई। कुंदा तो ठीक है पर तलवार कहीं रख दी। दूर हटो, मारो कुमार। हाँ, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। आप जैसे वीरों के वीर जो कार्य सुबह करते हैं वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप तो ये जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानते? आ, बस भूल गए थे, समय पर हमें याद दिला दिया। सवेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार। क्यों? जंगली सुअर खेतों को। मुझे सुअर से घिन आती है। सुअर नहीं, जंगली सुअर। उससे भी। किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, इसे भी लेकर आओ। बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है, इसे शिकार पर क्यों जी? रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा, साथ आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये किस काम के लायक है।
लेकर आओ उसे। जी, जी। मार दिया। नील रंग का बांध कुमार वर्मा का है। कुमार वर्मा ने सुअर को मार गिराया। हो फिर से कुमार वर्मा। बढ़िया निशान है। आह वर्मा बाणम राम बाणम। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। आह अद्भुत। कुमार वर्मा का साहस असामान्य है। सारे जंगली सुअरों को अकेले ही मार गिराया। सुअर वीर कुमार वर्मा की जय। सुअर वीर कुमार। प्रशंसा बंद करो। जी प्रभु। देवसेना इन बाणों को अपने संग्रहालय में रखवा दो। आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे। आहा।